हस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई आकिल, जो वार्ड 66 से भावी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं और पेशे से मजदूर हैं और मुस्लिम युवा नेता निर्दलीय हैं। बता दें कि पहले सपा में समाज सेवी के रूप में कार्य किया है, इस नगर निकाय चुनाव में अपनी बेटी को निर्दलीय रूप से खड़ा करने का काम करेंगे। बेटी का नाम सानिया है। साथ ही नगर निकाय चुनाव में अगर जीते तो 400 गज की भूमि पर विद्यालय खुलवाकर निशुल्क शिक्षा देने का वादा किया है। आकिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। आकिल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। मेरे सभी भारत वासियों को मेरी तरफ से हिंदू भाई को नमस्कार और मुसलमान भाई को सलाम अलैकुम। ये वार्ड नंबर 66 से मैं आपके अपनी पुत्र सानिया को पर्चा भर रहा हूँ और मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि मैं अपने दिल से अपने सेक्टर को अच्छा बना सकूँ। आखिल जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? बस मेरी इच्छा ये है कि मेरा सेक्टर अच्छा बने, साफ सफाई रहे और ये तमन्ना है कि 400 गज के प्लाट में स्कूल बनाकर बच्चों को 8वीं तक की पढ़ाई फ्री करा दें। आकिल जी, आपके वार्ड में अभी कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं? बड़ी बड़ी समस्याएं सड़क भी नहीं बनी है और नालियां भी साफ नहीं है और गरीब ग्रुपों के जो गरीब बंदे हैं, गरीब बहुत ज्यादा गरीब इंसान हैं, वो उनके लिए भी कुछ नहीं सोचा गया है। जैसे गरीब हैं, राशन कार्ड हुआ और उनकी योजना के इसमें जो है मतलब पेंशन नहीं बंधी और 60 साल में पेंशन नहीं बंधी, विधवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। तो लिहाजा मेरा मकसद ये है कि मैं कुदरत वाला मुझे इज्जत दे, मैं उनका सब काम करा सकूं। आखिल जी, आपके वार्ड में 5 ऐसे कौन से बड़े काम हैं जो आप जीतने के बाद कराना चाहेंगे? सबसे पहला काम तो मेरा ये है कि मैं बच्चों के लिए स्कूल खुलवाऊंगा और फ्री पढ़ाई 8वीं तक की कराऊंगा। दूसरा काम यह है कि अपने सेक्टर का नाली, सड़क, खंबे, विकास अच्छे से अच्छा कराऊंगा। जनता के बीच आप क्या क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? जनता के बीच, जनता का अगर मुझे प्यार मिला तो उनका कोई भी काम, जो भी काम होगा, आधी रात भी करने के लिए तैयार खड़ा हो जाऊंगा। जनता की सेवा के लिए ही खड़ा हुआ हूँ। आखिल जी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर आप अपने वार्ड में क्या कुछ काम करना चाहेंगे? वार्ड में काम करना चाहूंगा यही कि जैसे कि लाइट की दिक्कत है, नाली की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है और डूडा की जो यात्री हैं, गरीब गुरबाओं के लिए इनकी भी दिक्कत है, ये सब काम कराऊंगा। आपके वार्ड में पानी, बिजली और सफाई की कैसी व्यवस्था है? पानी, बिजली और सफाई कुछ नहीं है, फिलहाल कुछ नहीं है। आपके वार्ड में मेरा मकसद ये है कि मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ, चुनाव हारू या जीतू वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, खुदा के हाथ में है। मैं हर वक्त जनता की सेवा में खड़ा रहना चाहता हूँ और खड़ा रहूंगा जनता की सेवा के लिए। आपके वार्ड में जो भी वर्तमान में पार्षद हैं, उनकी कार्यशैली कैसी है? देखिए, पार्षद तो कोई बुरा नहीं होता, वे भी बुरा नहीं है, मगर उनके पास जनता की सेवा के लिए वक्त नहीं है क्योंकि वे अपने
कारोबार संभाले, भट्टे संभाले या फैक्ट्रियां संभाले, पब्लिक की तरफ देखें, उनके पास वक्त नहीं है पब्लिक की तरफ देखने का। लिहाजा इसीलिए जनता ने मुझे चुना है और जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया है और जनता ने ही मुझे चुनाव में उठाया है, तो मैं जो वादे कर रहा हूँ हर वादा पूरा करके चलूंगा। तो क्या लगता है अगर आप मैदान में उतरेंगे, आपने कहा कि जनता के लिए आपने तमाम काम किया है, तो कितना लगता है आपको जनता का साथ मिलेगा? जनता का मुझे पूरी पूरी उम्मीद है जनता से कि जनता का मुझे फुल बहुमत से प्यार मिलेगा जी। स्मार्ट सिटी सहारनपुर में आपके वार्ड 66 में कितना विकास हुआ है अभी तक? मेरे वार्ड नंबर 66 में सिर्फ एक नदीम कॉलोनी के अंदर थोड़ा विकास हुआ है और महिला पड़ता है सानूर जी, उसमें कुछ नहीं हुआ है। चांद कॉलोनी, उसमें कुछ नहीं हुआ है। एकता कॉलोनी, उसमें कुछ नहीं हुआ है। और स्मार्ट सिटी बना दी गई है सिर्फ नदीम कॉलोनी महल्ले को, और ये तीन वार्ड जो है, यानी कि तीन सेक्टर, एक सेक्टर के तीन महल्ले जो है, उसमें कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल खंडर बना पड़ा है। लिहाजा इसीलिए मुझे पब्लिक ने उठाया है कि मैं इसे भी सही बना सकूं। आपने 400 गज में स्कूल संचालित कर निःशुल्क शिक्षा देने का वादा किया है, इसको लेकर आपका क्या प्लान है? देखिए, कुदरत ने चाहा और जनता का प्यार मिला तो मैं अपने वादे पे खरा उतरूंगा और पक्का उतरूंगा। ये मेरे एक दिल की भावना है, मैं चाहता हूं कि बच्चे हमारे भी हैं, जैसे बच्चे हमारे हैं ऐसे गरीब गुरबा के भी हैं, गरीबों के भी हैं, तो वो पढ़े, कुछ कामयाब होए, कुछ आगे चल के बने। लिहाजा इसलिए मैंने 400 गज के प्लाट लेकर और उसमें स्कूल खोलने का वादा किया है और 8वीं तक बच्चों को फ्री पढ़ाने का वादा किया है, और इंशाल्लाह ये वादा मैं निभाऊंगा जी। आप सपा में रह के आपने समाज सेवी का काम किया, तो कैसा अनुभव रहा आपका? जी, बहुत अच्छा रहा। मैंने नालियां भी बनवाई, कुछ सड़कें भी बनवाई, और जैसे विधवा हमारी बहन है, बहने हैं, माता है, उनकी सेवा भी की है। और जैसे हमारी हिंदू की या मुस्लिम की सब मेरी बहना है, वो कोई सी भी जाति की हो, मुझे जाति से कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सब इंसान, सब एक भाई है। मैंने उन बच्चों के बारे में भी, निकाह पानी के बारे में भी, फेरे के बारे में भी सोचा है, वो भी काम किया है जी। आकिल जी, आपके मन में कैसे आया, क्या चीज आपको प्रेरित की कि आप राजनीति में उतर आए, क्या वजह रही राजनीति में उतरने की? देखिए, मेरे मन में कुछ नहीं आया, मेरे मन में कोई राजनीति वाली बात नहीं थी और ना ही मैं राजनीति काबिल आदमी हूँ। आप मुझे देख भी रहे होंगे कि मैं बोल भी ऐसे ही रहा हूँ आपके साथ में। सिर्फ ये है कि मुझे एक जज्बा आया, एक जनून आया कि मेरे सहारनपुर में एक वार्ड नंबर 66 में इतनी गंदगी, इतनी मचैन, इतनी सड़ैन, और देखो अगर कुत्ता भी होता है तो वो भी दुम को हिलाकर साफ सफाई पे बैठता है, हम तो फिर इंसान है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ लिहाजा ये है कि मैं, मेरे दिल के अंदर एक जनून जज्बा ऐसा आया है कि मैं इसे अपने सेक्टर को साफ सफाई से एक सुंदर खूबसूरत बना सकूं। आपके बाद 66 में मुस्लिम वोटों का समीकरण क्या है? मुस्लिम वोट ये तकरीबन 14,451 वोट हैं, मगर इसके अंदर जो है हमारे हिंदू भाई के 800 से 1000 के करीब वे भी हैं, टोटल मिलाकर 14,451 वोट हैं लगभग जी। नगर निगम से मिलने वाली कौन सी सुविधाओं के बारे में क्षेत्र को जागरूक करने का काम करेंगे आप? निगम से जितनी भी स्कीम आएंगी, जितनी भी योजना है, सब पूरा करूंगा और निगम से ही काम कराऊंगा, पब्लिक का, जनता का निगम से ही काम कराऊंगा। कुछ खास प्लान भी है क्या आपका महिला और बेटियों को लेकर? जी, बेटी जैसी गरीब की बेटी है, उसकी शादी के बारे में भी सोचूंगा, जितनी मेरे में हैसियत होगी उसके उसकी शादी के शादी में भी लगाऊंगा, जो भी मेरी हैसियत होगी जी। क्षेत्र की समस्याओं का तुरंत निस्तारण होने को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्र के जो ये आप कह रहे हैं, उसमें मैंने आपको कहा है कि मैं बस ये चाहता हूं कि मेरे सेक्टर का विकास अच्छे से अच्छा और पब्लिक खुश रहे, बस मैं ये चाहता हूं। तो क्या लगता है आपको जनता का भरपूर साथ मिलेगा?
जनता का भरपूर साथ मिलेगा। जनता ने ही मेरे को उठाया है, जनता ने ही मुझे राजनीति में उतारा है। जनता का प्यार मुझे लिए बहुत 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 ज्यादा मिलेगा जी। मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, आप क्या कहना चाहेंगे प्राइम टीवी के माध्यम से? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता अगर मुझे प्यार मिला तो मैं अपने वादों से मुकरने का नहीं, जो वादा किया है वो निभाऊंगा। जी धन्यवाद अखिल जी आपका। तो नगर संग्राम में आज मुलाकात हुई भाई आकिल से, जो वार्ड 66 से भावी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। अभी के लिए नगर संग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।